हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। रेगुलेशन का मतलब होता है कि एपोप्टोसिस को कैसे करके प्रमोट किया जाता है और एपोप्टोसिस को कैसे करके इनहिबिट किया जाता है, इसी को बोला जाता है रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। तो देखो, एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने के लिए सेल में एक फैमिली होता है, प्रोटीन्स का फैमिली होता है। इस प्रोटीन्स के फैमिली को हम लोग बोलते हैं BCL2 फैमिली या बी सेल लिम्फोमा 2 फैमिली। तो चूंकि ये फैमिली है, इसका मतलब ये इसमें बहुत सारा प्रोटीन्स होंगे। तो कुछ प्रोटीन्स इस फैमिली में ऐसे होते हैं जो एपोप्टोसिस को करवाते हैं, मीन्स एपोप्टोसिस को प्रोमोट करते हैं। वैसे प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक मेंबर्स या प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। और ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स में आता है बैक, बीड, बीम, बैड, बैक्स, बॉक्स, बीम, सॉरी बिक, नॉक्सा, पूमा, स्पाइक और भी बहुत कुछ आते हैं। ये सब ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को प्रोमोट करते हैं, मतलब एपोप्टोसिस को करवाते हैं। इसीलिए ऐसे प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स या प्रो एपोप्टोटिक मेंबर्स। और क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे इस BCL2 फैमिली में और भी कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को होने से रोकते हैं, मतलब एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। वैसे प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं एंटी एपोप्टोटिक मेंबर्स या एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें खुद BCL2 आएगा, ये BCL2 और BCL2XL आएगा। ये सब ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को नहीं होने देते हैं, इसीलिए ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। तो देखो, और भी कुछ कुछ टर्म्स आप लोगों को याद रखना होगा CSIR नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या क्या याद रखना होगा, तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि साइटोक्रोम सी हम लोग जानते हैं कि एपोप्टोसिस को करवाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है इंट्रिंसिक पाथवे में। तो देखो, साइटोक्रोम सी के अलावा भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि स्मैक हो गया, डियाब्लो हो गया, ये सब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एपोप्टोसिस को प्रोमोट करते हैं। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर्स या AIF, ठीक है। और क्या याद रखना होगा, तो देखो हम लोग पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस में या फिर इंट्रिंजिक पाथवे में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी और एक कंपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सेकेंड कंपार्टमेंट होता है जो एपोप्टोसिस को करवाता है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो बहुत सारा सिग्नल्स ऐसे यूज होता है एपोप्टोसिस को करवाने के लिए, लेकिन वर्टिब्रेट के केस में जो एक कॉमन सिग्नल होता है इसको हम लोग बोलते हैं BMP4 सिग्नल। तो ये सब को आपको याद रखना होगा और ये सब एग्जाम में CSIR के एग्जाम में आता है। और क्या आ सकता है CSIR के एग्जाम में, तो देखो और क्या आ सकता है, देखो ये आ सकता है कोरिलेशन ऑफ एपोप्टोसिस बिटवीन सी एलिगेंस एंड मैमल्स, मतलब सी एलिगेंस के एपोप्टोसिस और मैमल्स के एपोप्टोसिस में क्या कोरिलेशन है। तो देखो ये सी एलिगेंस हो गया और ये क्या हो गया, मैमल्स हो गया। तो सी एलिगेंस में EGL1 होमोलोगस होता है मैमल्स के प्रो एपोप्टोटिक मेंबर्स जो BCL2 फैमिली का है उसके होमोलोगस होगा EGL1, ठीक है। और सी एलिगेंस का KID9 होमोलोगस होगा BCL2 फैमिली के एंटी एपोप्टोटिक मेंबर्स के, ठीक है। और सी एलिगेंस का KID4 जो है वो होमोलोगस होगा मैमल्स के APAP1। APAP1 का फुल फॉर्म था एपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 के होमोलोगस होगा। और सी एलिगेंस का KID3 जो है वो मैमल्स के caspase 9 के होमोलोगस होगा। और यहाँ पर देखो सी एलिगेंस में KID3 ही क्या करेगा, एपोप्टोसिस को प्रमोट करेगा, लेकिन मैमल्स के केस में क्या होगा, caspase 9 इनिशिएटर caspase था, ये क्या करेगा इफेक्टर caspase को एक्टिवेट करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे caspase 3। और ये caspase 3 क्या करेगा, एपोप्टोसिस को करवाएगा। तो ये सब कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को याद रखना होगा, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। थैंक यू।